गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ. आई एम ममता जोशी फ्रॉम किटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न SST लेसन 4 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑन पेज नंबर 16. बिफोर वी हैव स्टार्ट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इन विच वी हैव लर्न अबाउट द इंडियाज डेजर्ट, इट्स लोकेशन एंड साइज. वी हैव लर्न दिस टू टॉपिक्स. स्टूडेंट्स ऑलवेज आई remind you, and today also I'm going to remind you that whenever I'm reading and explaining the chapter, just take out your books and try to read it with me. Okay, this is your SST book and this is your chapter on page number 16. Before we have learned about the India's desert, its little vegetation, it is covered with the sand, and we have learned about the size of the Indian desert, location which stretches from Aravali in the east and border of Pakistan to west, which also extends from Kutch to in the southwest to the border of Haryana, and it is mainly formed due to rainfall and the heavy soil erosion. We have learned this thing previously. Now today we are going to learn about the sand dunes. What are sand dunes? Sand dunes kya hai? Iske bare mein hum padhenge. Okay. The desert is made up of rocks and sand. There are small hills of sand which are called sand dunes. अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर महाभारत देखा हुआ है, जहाँ पर सारा मिट्टी के धोरे होते हैं ना, मिट्टी के टीले, उन्हें हम sand dunes कहते हैं, जो कि हमारा रेगिस्तान जो है तो उसे हम sand dunes कहते हैं, जो कि रेत के टीले होते हैं. ओके, द डेजर्ट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सैंड. देर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. छोटे छोटे हिल्स यानी छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ जो होते हैं उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. अब ये सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं, वी विल रीड अबाउट दैट. व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो दे कैरी द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दस द सैंड ड्यून्स डू नॉट रिमेन एट वन प्लेस, they keep on moving and not remain at one place. They keep on moving and their shape and sizes also vary from time to time. ये मिट्टी के ढोरे कैसे बनते हैं, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो इन हवाओं के साथ मिट्टी के कण भी उड़ते हैं, और वो उड़ के जब हवाएं बंद हो जाती है तो वो एक जगह सेटल डाउन हो जाते हैं. धीरे धीरे ये मिट्टी के टीले बन जाते हैं. अब ये सैंड ड्यून्स जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, जैसे ही जैसे हवाएं चलती रहती है वैसे वैसे इनकी प्लेसेस चेंज हो जाती है. ठीक है, और जहाँ भी जाते हैं हमेशा इनकी साइज़ भी चेंज हो जाते हैं, कभी साइज़ बड़ी होती है कभी छोटे होते हैं. ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इनकी कोई परमानेंट प्लेस नहीं होती है. ये विंड के ब्लो होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होते हैं ना, उसकी वजह से इनकी प्लेस चेंज हो जाती है. ठीक है ना, हवाओं के साथ मिट्टी भी उड़ती है और जब वो सेटल डाउन हो जाती है धीरे धीरे वो मिट्टी के रेत के टीले का रूप ले लेती है, दैट इज़ सैंड ड्यून्स. ओके, साइज भी सेम नहीं होता है, शेप भी सेम नहीं होता है. ओके, इट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज़ अबाउट दी सैंड ड्यून्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओएसिस. व्हाट इज़ ओएसिस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. ओएसिस क्या है, ओएसिस को हिंदी में शब्दल कहते हैं. क्या कहते हैं, शब्दल. देर इज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन इन द डेजर्ट. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्कैंटी ऑफ रेनफॉल एट द सेम प्लेस एट सम प्लेस. हाउ एवर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस थ्रू अ स्प्रिंग. अराउंड सच प्लेसेस ट्रीज लाइक डेट पाम कीकर एंड बबुल ग्रो. सच अ ग्रीन एंड लश एरिया इन द डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस. पीपल लिव परमानेंटली इन सच एरियाज एंड ग्रो क्रॉप्स लाइक मेज, ग्राम, ज्वार, बाजरा, वीट एट्सेट्रा. अब ये है ओएसिस का मतलब, जहाँ पे बहुत ही लिटिल वेजिटेशन होता है, डेजर्ट एरिया है, पानी की कमी होती है, बारिश भी कम होती है, पर वहाँ पे हल्की सी वेजिटेशन होती है. इन सब कमी की वजह से पानी वेजिटेशन बहुत ही कम होता है. और ये जो अंडरग्राउंड पानी होता है वो स्प्रिंग के
रूप में सरफेस से बाहर आता है और उसकी वजह से कुछ पेड़ वहाँ उगते हैं, जैसे कि डेट पाम, खजूर के पास जो पेड़ होते हैं ना वो, कीकर और बबूल। बबूल तो आप लोगों को देखते ही होंगे कांटों के साथ जो उगते हैं, और ये कैक्टस भी यहाँ पे उगते हैं रेगिस्तान में, डेजर्ट में, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वो लीव्स फॉर्म ना करके थॉर्न्स का रूप ले लेते हैं। ओके, इसीलिए वो कैक्टस ज़्यादा उगते हैं। अब ये सब स्प्रिंग के रूप में पानी जब अंडरग्राउंड से बाहर आता है और इस यहाँ पे कुछ ट्रीज उगते हैं जैसे डेट पाम, कीकर एंड बबुल, तो ऐसा लश एरिया मतलब रसीला क्षेत्र जहाँ पे पानी होता है, मॉइस्ट होता है पर ज़्यादा पानी नहीं होता है, लश एरिया, उसे हम ओएसिस कहते हैं। और यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे खेती करते हैं और कुछ अनाज उगाते हैं जैसे मेज़ यानी मक्का, ग्राम यानी चना, ज्वार, बाजरा, ये सब कॉमन ग्रेन्स है, वीट, गेहूँ, ये सब की खेती यहाँ करते हैं। ठीक है, आज हम यही करेंगे। पेज नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। टुमारो वी विल डू नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। ओके, टुडे वी हैव कंप्लीट पार्ट 2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर चिल्ड्रंस।